Starting with the great name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent, I am Sir Shoaib, and today's video is about part 3 of the topic Formation of Interim Government 1946-47. यानी हमारा आज का जो वीडियो है वो जो हमारा टॉपिक था फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट 1946-47. हमने इससे पहले इसकी टू वीडियोज़ बनाए थे जो रीडिंग एक्सप्लेनेशन हो चुकी है. उसके बाद हम इस वीडियो में इस टॉपिक को एंड तक लेकर जाएंगे यानी फिनिश करेंगे. यहाँ से स्टार्ट लेंगे, यहाँ से पढ़ेंगे. एंड वेरी सून द कांग्रेस फेल्ट दैट दे हैव डन मिस्टेक ऑफ गिविंग द फाइनेंस डिपार्टमेंट टू द मुस्लिम लीग. जब उबूरी हुकूमत में मुस्लिम लीग को फाइनेंस डिपार्टमेंट या ख़जाने की वजारत मिल गई थी तो कांग्रेस को बहुत जल्द एहसास हो गया कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को ख़जाने की वजारत देकर बहुत गलती की है. बिकॉज ऑल द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज वर ऑन द मर्सी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. क्योंकि कांग्रेस की जितनी सारी वजारती थी वो ख़जाने की वजारत पर वो इन्हिसार करती थी, उसके रहम करम पर थी. जिस तरह हुकूमत में होता है कि हर मिनिस्ट्री को चलाने के लिए, हर डिपार्टमेंट को चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, और उसी मिनिस्ट्री की कारकर्दगी सबसे अच्छी होती है जिसके पास फंड ज़्यादा हो. और ये फंड चूँकि ज़ाहिर है फाइनेंस ही प्रोवाइड करती है, वजारत ख़जाना ही प्रोवाइड करती है, तो ये वजारत अब मुस्लिम लीग के हाथों में थी. तो कांग्रेस को अपनी मर्ज़ी की या हद से ज़्यादा जो फंड थी वो ना मिल सकती थी, वो अपनी मर्ज़ी के पैसे खर्च ना कर सकते थे, बल्कि उनको उनके हक के मुताबिक जितना हक किसी वजारत का होता था उतना वो उनको देते थे. तो उनकी मर्ज़ी नहीं चलती थी, इसलिए उन्होंने महसूस किया कि हमने ख़जाने की वजारत मुस्लिम लीग को देकर ये बहुत बड़ी गलती की है. क्रेडिट ऑफ द लास्ट बजट ऑफ यूनाइटेड इंडिया आल्सो गोज टू लियाकत अली खान. और जो मुत्तहिदा हिंदुस्तान का आखिरी बजट बना था उसके बनाने का जो सहरा है वो भी लियाकत अली खान के सर जाता है. यानी लास्ट जो बजट था वो भी लियाकत अली खान ने बनाया था, और जो बजट उसने बनाया था वो अच्छा था, गरीब दोस्त था. उसमें बहुत ज़्यादा टैक्सेस जो थे वो सनतकारों पर लगाए थे ताकि मुल्क चला सके, हुकूमत के लिए आमदन हो सके. हु मेड सच अ बजट इन विच प्रेसिंग स्टेप्स वर टेकन टू एंड पावर्टी. उसने ऐसा बजट बनाया जिसमें अच्छे इकदाम किए गए थे ताकि गुरबत का खात्मा हो. टैक्सेस वर लीविड ऑन इंडस्ट्रियलिस्ट टू मीट द गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर्स. और हुकूमत के अखराजात पूरे करने के लिए सनतकारों पर टैक्स लगाया गया. लीविड लगाना सनतकारों पर या कारखानादारों पर टैक्स लगाया गया था ताकि हुकूमत का जो खर्चा है वो पूरा हो सके. एन इंक्वायरी कमीशन वाज आल्सो प्रपोज्ड टू चेक द टैक्स इवेजन. और उसके साथ साथ न सिर्फ ये कि टैक्स लगाया बल्कि टैक्स की वसूली को देखने के लिए, अहदाब जो मुकर्रर थे उसको पूरा करने के लिए एक कमीशन भी बनाया ताकि कमीशन देख सके कि टैक्स लोग दे रहे हैं, सनतकार टैक्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे. हिज पुअर फ्रेंडली बजट वॉज वेरी मच अप्रिशिएटेड. उसका जो गरीब दोस्त बजट था उसको बहुत ज़्यादा सराहा गया. बट वेरी सून द हिंदू इंडस्ट्रियलिस्ट शोड ग्रीवेंसेस टू द कांग्रेस. लेकिन बहुत जल्द हिंदू सनतकारों ने कांग्रेस को अपनी शिकायत जो थी वो दिखा दी, अपने जो उनका गिला था वो कांग्रेस के सामने पेश किया. अगेंस्ट इम्पोजिशन ऑफ टैक्स, टैक्स के लगाने के खिलाफ. यानी जो सनतकार थे उन्होंने कांग्रेस हुकूमत से गिला किया कि हमारे जो बिजनेस है उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लग रहा है, आप इन मामले को देख लें. दोज पीपल हैड प्रोवाइडेड मनी टू कांग्रेस. इन लोगों ने यानी इन सनतकारों ने, इंडस्ट्रियलिस्ट ने कांग्रेस को पैसे फराहम किए थे इलेक्शन लड़ने के लिए, इंतखाबात जीतने के लिए. तो अब उन्होंने इंतखाबात जीतने के बाद जब टैक्स लग गया था तो उन सनतकारों ने कांग्रेस हुकूमत से शिकायत की कि हम पर तो बहुत ज़्यादा टैक्स लगे हैं. बट कांग्रेस कुड नॉट अपोज द बजट टू. कांग्रेस बजट की भी मुखालफत नहीं कर सकती थी, इसलिए नहीं कर सकती थी कि वो बजट जो था वो गरीब दोस्त था, अच्छा था, उस पर जो टैक्स लगे थे. तो हुकूमत की ज़रूरत भी होती है, टैक्स के बगैर हुकूमत का खर्चा पूरा नहीं हो सकता. तो एक तरफ तो कांग्रेस ने उन सनतकारों से पैसे लिए थे इंतखाबात लड़ने के लिए इस वादे पर कि हुकूमत में आने के बाद हम आपको मराहत देंगे, आप लोगों का साथ देंगे. लेकिन अब यहाँ उन पर टैक्स लगे तो वो इस बात पर भी मजबूर थे कि वो टैक्स की मुखालफत भी नहीं कर सकते थे और उन सनतकारों को भी जवाब नहीं दे सकते थे. बिकॉज इन दिस वे द
ट्रेडिशनल द सीक्रेट ऑफ देयर ट्रेडिशनल क्लेम्स ओपनड, क्योंकि इस तरीके से अगर वो टैक्स की मुखालफत करती तो उनकी जो रिवायती जो वादा खिलाफी है उसका जो राज है वो खुल जाता। वो टैक्स की मुखालफत करके अपने आप को सियासी नुकसान नहीं पहुँचा सकते थे, तो वो दोनों तरफ से मजबूर थे। इन द पोलिटिकल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग केम इन कन्फ्रंटेशन टू ईच अदर एट दिस पॉइंट। तो अब इस यहाँ पर भी इससे पहले जो हुकूमत से बाहर थी सियासी महाज पर एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, आज़ादी की जो कोशिश थी वहाँ पर भी एक दूसरे के मुहालिफ थे, अब यहाँ चूँकि हुकूमत में थी इतिहादी बन गए थे, यहाँ भी एक दूसरे के साम आमने सामने आ गए, यहाँ भी कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो थे वो कन्फ्रंटेशन में थे। जॉइंट मीटिंग ऑफ द मिनिस्टर्स ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट कुड नॉट बी हेल्ड। और बात यहाँ तक बिगड़ गई थी कि जो मुश्तरका इजलास है इस इत्तेहादी हुकूमत में, जो अबूरी हुकूमत है इसमें इत्तेहादियों का मुश्तरका इजलास भी नहीं हो सका था। इख्तलाफात इतने ज़्यादा थे, एक दूसरे के इतने मुहालिफ बन गई थी हुकूमत के अंदर रह कर भी कि मुश्तरका इजलास तक ना हो सका। दस जॉइनिंग द इंटरिम गवर्नमेंट बिकेम अ काज ऑफ फर्दर डिस्टेंस इंस्टेड ऑफ अलायंस। बस यहाँ पर इत्तेहाद के बजाय वो जो हुकूमत में शामिल होना था वो मज़ीद जो था उनके दरमियान जो फासिले का बायस बना था, ये यानी हुकूमत में एक दूसरे के साथ थे भी लेकिन उनके दरमियान फासिला बढ़ गया था, करीब आने के बजाय वो एक दूसरे से दूर होते गए। एट देर टाइम सरदार पटेल ऑफ कांग्रेस हु वाज इंटीरियर मिनिस्टर इन गवर्नमेंट। और इस मौके पर यानी जब इनके दरमियान इख्तलाफात बढ़ गए तो जो सरदार पटेल थे कांग्रेस के एक नुमाया लीडर थे और जो इंटरम गवर्नमेंट में वजीर दाखिला थे, दाखिला उमूर के वजीर थे, उसने महसूस किया, रीच्ड द कंक्लूजन, वो इस नतीजे पर पहुंच गया दैट द ओनली सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ इंडिया इज़ हर पार्टीशन, के हिंदुस्तान के मसले का वाहिद हल उसका तकसीम होना है। तकसीम होना ये है कि अगर मुस्तकबिल में भी हिंदुस्तान में इत्तेहादी हुकूमत बनती है और मुस्लिम लीग और कांग्रेस हुकूमत में होंगे एक दूसरे के साथ तो उनके दरमियान तो इत्तेहाद नहीं हो सकता। यहाँ पर अब देख लेना इत्तेहाद में है, एक हुकूमत में है, सबको वजारतें मिली है लेकिन इसके बावजूद एक दूसरे से दूर है, एक पार्टी जो है कुछ कह रही है तो दूसरी पार्टी कुछ और कह रही है, बातों पर इत्तेफाक नहीं है, मसाइल जो है वो हल करने की तरफ नहीं जा रहे बल्कि मसाइल बढ़ रहे हैं। तो बेहतर तो ये है कि जिस तरह 1944 का राज गोपाल आचार्य फार्मूला था उसमें भी ये बात की गई थी कि तकसीम हो जानी चाहिए, अब यहाँ पर भी सरदार पटेल ने भी तकसीम की बात की कि तकसीम जो है वो हिंदुस्तान के मसले का वाहिद हल है। हिंदू मुस्लिम मसादात ख़त्म करने, हिंदुस्तान में सिविल वार रोकने, हिंदुस्तान में अमन लाने और मुसलमानों को अपना हक़ देने का वाहिद रास्ता ही है कि जो तकसीम है वो हो जानी चाहिए। जो लाहौर रिजोल्यूशन है उसके मुताबिक पार्टीशन की बात जो है वो दुरुस्त है, तो अब मुसलमान को अपना अलग वतन जो है देना चाहिए। अब ये टॉपिक जो है थ्री वीडियोस में अपने अख्तिताम को पहुंच गया। जो अभी आज का जो वीडियो है इसको मैं दोबारा समराइज करता हूँ आप लोगों के लिए, बात को मुख्तसर करके बयान करता हूँ ताकि आप लोग इसको अच्छी तरह समझ सकोगे। आज की जो वीडियो है इसमें हमने पढ़ा कि जब इंटरिम गवर्नमेंट बन गई, मुस्लिम लीग को 5, कांग्रेस को 6 और अकलियतों को 3 वजारती मिल गई। मुस्लिम लीग को जो अहम वजारत मिली थी वो फिनांस की मिली थी। फिनांस का वजारत ये जितनी भी इश्यूज होते हैं मनी के या फिनांस के रिलेटेड वो इनके हाथों में होते हैं और जितनी मिनिस्ट्रीज चलती है दूसरी या जो महकमे चलते हैं, जो डिपार्टमेंट चलते हैं वो फिनांस से पैसे लेती है और जो बजट का बनाना होता है वो भी फिनांस डिपार्टमेंट या जो फिनांस मिनिस्टर है वो बनाता है। तो कांग्रेस ने महसूस किया कि उन्होंने जो फिनांस मिनिस्ट्री मुस्लिम लीग को देकर गलती की है। वजह तो ये है कि एक तो कांग्रेस को अपनी मर्ज़ी के लातादाद पैसे नहीं मिल रहे थे वजारतों को चलाने के लिए, खर्च करने के लिए, और उसके साथ साथ दूसरी बात ये थी कि जो लास्ट बजट था यूनाइटेड इंडिया का जो लियाकत अली खान ने बनाया था वो एक गरीब दोस्त बजट था जिसमें सनतकारों पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया गया था, तो उसके खिलाफ़ कांग्रेस की हुकूमत के सामने सनतकारों ने शिकायत की कि आपने हमसे पैसे लिए हैं इलेक्शन के लड़ने के लिए, अब हम पर टैक्स लग रहे हैं। तो कांग्रेस मजबूर थी, वो ना बजट की मुखालफत कर सकती थी ना ही सनतकारों की मुखालफत कर सकती थी, तो इस तरह ये एक मसला था इनके लिए।
फिर ये भी बात हुई कि दोनों जो पार्टियाँ थी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, अगरचि वो गवर्नमेंट में शामिल थी लेकिन अलायंस के बजाय उनके दरमियान डिस्टेंस और बढ़ गया था। तो यहाँ इस मौके पर भी जो एक और लीडर थे कांग्रेस के, सरदार पटेल, जो इंटीरियर मिनिस्टर थे, उसने भी महसूस किया कि अब पार्टीशन ही वाहिद सलूशन है। तो उम्मीद है आप लोगों को हमारा जो आज का जो लेक्चर है वो आसान है, समझ आया होगा। इसको देख ले, डाउनलोड करें, रीड करें, अपनी किताब के साथ वर्ड मीनिंग भी देख लें, कंटिन्यू करें अपनी स्टडीज़ को, आगे बढ़ जाए। इंशाल्लाह हम और वीडियो लेकर आ रहे हैं ताकि आप लोगों का जो कोर्स है वो टाइमली फिनिश हो जाए। 28 मई तक हम इंशाल्लाह 60 वीडियोज़ को फिनिश करेंगे। आप लोग क्विकली इसको डाउनलोड करें, देखते जाए और लर्निंग स्टार्ट करें, लर्निंग को रोके मत।